जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने जो है सीरीज़ 22 तक कर लिया था, आज हम लोग सीरीज़ 23 का अध्ययन करेंगे। सीरीज़ 23 में हम लेकर आए हैं हीट के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। तो आज अभी जो है हम लोग सीरीज़ 23 का अध्ययन करने चल रहे हैं। स्टडी शुरू करने के पहले सभी बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे, जो स्टूडेंट जो है हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं या जो स्टूडेंट आज पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही जो है कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सीरीज 23 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कैलोरी मेट्री का सवाल है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। पहला जो बेसिक सवाल एयरफोर्स के लिए होगा जो है कैलोरी मिति का सिद्धांत आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत क्या कहता है? दी गई उष्मा हीट लॉस्ट इज इक्वल टू ली गई उष्मा हीट गेंड। दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, जो भी बेसिक पॉइंट आपको बोले जा रहे हैं, इन बेसिक पॉइंट को जरूर नोट करें आप लोग। तो देखिए जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है और इस चैप्टर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 540 ग्राम आइस है, 540 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। इसको जो है 540 ग्राम पानी में मिक्स कर दिया जाता है तो एक मिक्सचर तैयार होता है। इस मिक्सचर का टेम्परेचर हम लोगों को पता करना है, मिश्रण का ताप क्या होगा। मान लो मिश्रण का ताप थीटा हो गया। जो वाटर का टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और जो बर्फ़ का ताप है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जब बर्फ़ को जो है गर्म पानी में डालेंगे, ये तो गर्म है, 80 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जब बर्फ़ को गर्म पानी में डालेंगे तो बर्फ़ जो है क्या होगी, सबसे पहले पिघलेगी। तो पिघलने के लिए हीट लेगी क्यू बराबर ML, ये मेल्ट होने के लिए हीट लेगी। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी फिर ये थीटा डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बर्फ जो है उष्मा लेगा और दो रूपों में उष्मा लेगा, टू फॉर्म्स में हीट जो है लेगा, एक तो अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, अपनी अवस्था बदलने के लिए, और दूसरा अपना टेम्परेचर बदलने के लिए। और जो वाटर है ये उच्च ताप पर है, हाई टेम्परेचर पर है, तो ये हीट लॉस करेगा। जितना वाटर हीट लॉस करेगा आइस उतना हीट गेन करेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि आइस जो है कितना हीट गेन करेगा। तो बर्फ़ द्वारा ली गई उष्मा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट भी करते चलें, ली गई उष्मा दो रूपों में उष्मा लेगा बर्फ, ये एक M × L स्टेट बदलने के लिए। तो M की जगह 540 और लेटेंट हीट जो होती है बर्फ़ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। 540 × 80 हो गए ML प्लस MS ΔT, 540 × अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल चुका था, तो उसकी पानी की विशिष्ट उष्मा 1 होती है MS ΔT। 0 डिग्री सेल्सियस का पानी थीटा डिग्री सेल्सियस के पानी में, जहाँ पर थीटा मिश्रण का ताप है, तो 0 से थीटा होने का मतलब ताप में परिवर्तन कितना हुआ, थीटा का हुआ। तो ये 540 × 80 प्लस 540 × 1 × थीटा ये बर्फ द्वारा ली गई उष्मा। इसको सबसे पहले आप लोग कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद जो है दूसरा स्टेप हम लिख रहे हैं, पानी द्वारा दी गई उष्मा हीट लॉस्ट बाई वाटर क्या होगा, MS ΔT। पानी का द्रव्यमान है 540, पानी की विशिष्ट उष्मा 1 × पहले पानी 80 डिग्री सेल्सियस पर था, बाद में मिश्रण थीटा हो गया, जब बर्फ़ डाला गया तो ठंडा हो गया होगा, तो थीटा तो कम होगा, 80 से थीटा कम होगा, तो ब्रैकेट में होगा 80 − θ, MS ΔT कर दिया। इस तरीके से जो है ये पानी द्वारा दी गई उष्मा होगी। दोनों को बराबर कर देंगे कैलोरी मिति के सिद्धांत से, तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ द्वारा जो ली गई उष्मा थी 540 × 80 प्लस 540
इंटू वन इंटू थीटा माइनस जीरो थीटा बराबर 540 इंटू वन इंटू 80 माइनस थीटा, ये इक्वेशन लिखेंगे। 540 से 540 सब कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 80 प्लस थीटा बराबर 80 माइनस थीटा, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस थीटा इधर आएगा, 2 थीटा बराबर 0, 2 थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कभी कभी मिक्सचर का टेम्परेचर ज्ञात करने पर माइनस में आ जाता है, कभी कभी जैसे मान लो थीटा ज्ञात किया माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो जब माइनस 10 डिग्री सेल्सियस माइनस में आ जाए तो आंसर 0 टिक किया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। ध्यान रखना माइनस वाला टिक नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है बर्फ को गर्म पानी में डालने पर जो टेम्परेचर मिक्सचर का होगा बर्फ के टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही टिक करना। अगर मान लो पॉजिटिव में आता है थीटा इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो आएगा वही आंसर होगा। केवल माइनस में आने पर 0 टिक किया जाता है, यहाँ पर इस सवाल में 0 आ ही रहा था तो इसलिए 0 हमने टिक कर दिया, ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बच्चों जो है जल्दी जल्दी से हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो है कम समय में जो है हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना है। जहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हमें दूसरे सीरीज में उस क्वेश्चन को फिर से समझा देंगे, कोई समस्या नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। किसी धातु का कॉफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन दिया गया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा, तो उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा बताना है। बीटा गिवेन है, तो बी नो दैट बीटा बराबर 2 अल्फा। ठीक है, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है, तो यहाँ से अल्फा निकाल लो बीटा बाई 2। इसी तरीके से गामा इज इक्वल टू होता 3 अल्फा, तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा गामा बाई 3। गामा बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, ये दोनों बराबर कर दो। बीटा बाई टू बराबर गामा बाई 3, तो यहाँ से गामा हमें पता करना, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 बीटा बाई 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही होगा, 3 बीटा बाई 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती हैं, 0 टू इन्फाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता समतापीय में, तो डेल्टा टी क्या होता है, 0, ताप में परिवर्तन होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट बताना है, तो बी नो दैट डेल्टा क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, तो जब डेल्टा टी 0 रखेंगे, समथिंग अपॉन 0 बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट, तो अनंत हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, गामा आयतन प्रसार गुणांक है। अल्फा बीटा गामा में जो अनुपात होता है 1:2:3 का होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बच्चों जो है पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण एन मोल गैस के लिए आर को बोलते हैं जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पी इंटू वी अपान हो जाएगा एन इंटू टी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है, इसकी यूनिट जूल होती है, और ये मोल होता है, ये केल्विन होता है, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, या जूल मोल माइनस वन केल्विन माइनस वन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर वैल्यू पूछा जाए 8.314 होता है, 8.314। ठीक है, इस तरीके से जो है पाँचवें का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है When a copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in the, किसी तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तो अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, तो बच्चों वॉल्यूम जो होता है गोले का, जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, इसमें वॉल्यूम r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायामीटर 2r होता है, r की पावर 1 है, एरिया 4πr² होता है, तो इसमें r² r की पावर 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब परसेंटेज निकाला जाता है तो पावर बाहर आ जाती है, तो जो आर क्यूब है ये आयतन में होता है, आर क्यूब एरिया में होता है आर स्क्वायर, ठीक है, और जो है डायामीटर में होता है आर, ठीक है, आर की पावर 1, तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए 3 बाहर आएगा, तो 3 गुना परसेंटेज होगा, यहाँ 2 टाइम्स होगा, यहाँ 1 टाइम्स होगा, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीमेंट किस में होगा, वॉल्यूम में होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वांटिटी अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इज इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत राशि है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कॉन्स्टेंट होती है, क्यू कॉन्स्टेंट होती है, तो डेल्टा क्यू जो होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखना डेल्टा क्यू जीरो, हीट कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट ये है, चक्रीय प्रक्रम में साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है। जैसे मान लो यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है, जहाँ से कोई भी निकाय जिस पॉइंट से स्टार्ट हो, ए से बी तक गया, कोई निकाय पहले अवस्था ए में था, फिर अवस्था बी में गया, बी से अवस्था सी में गया, सी से वापस ए में गया, जिसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अलग अलग स्टेट से पास करता हुआ अगेन उसी प्रारंभिक स्थिति में चला जाए तो हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम है। तो चक्रीय प्रक्रम में इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम सेम है। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, नोट कर लो, आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है सेम हो गया तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन ये है, प्रेशर वॉल्यूम आरेख। जैसे मान लो यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचा गया ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम आरेख होता है। तो ये जो कर्व बना है, ये कर्व है, इसका वॉल्यूम एक्सिस से जो एरिया होती है इसे कहते हैं वर्क, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। अगर ये ऐसे डायरेक्शन हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो वर्क को तो बताएगा, ये एरिया वर्क को बताएगा, तो निकाय पर वर्क हो सकता है, निकाय द्वारा भी वर्क हो सकता है। इस तरीके से जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेशल केस ऑफ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कंजर्वेशन ऑफ ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि जो है जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, शून्यवा नियम किसे डिफाइन करता है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को बताता है। बच्चों नोट कर लीजिएगा, टेम्परेचर को बताता है। इस तरीके से आप सभी बच्चे जो है हमसे जुड़े हैं, जितने लोग, वो सभी रेगुलर जो भी टेस्ट सीरीज पहुंच रही है आप तक, उनको प्रॉपर नोट्स बनाएं, मैं डेली एक बार बोलता हूं, ठीक है, आप देखिए वीडियो को वॉच करिए, साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है और जो है आपको भी इसी तरीके से 20 मिनट आपको लगेंगे, आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो वॉच करते समय लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट जो है डिफेंस से संबंधित ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।